महासचिव विक्रम भाई अच्छा स्वागत करने अनुरोध कर संबलपुर भी मान को स्वागत कर अन्य जो सभ्य आम पश्चिम ओडिशा जो किसी भाई भाई आम कमिटी को जो दावी रखी पश्चिम ओडिशा मिलित संघर छ जन रही पश्चिम ओडिशा फोरम छ जन रही से अनुसार आगे चलो से महासंग्राम परवर्त कार्यक्रम तेणु से उन्नीत होती आम रामलाल पटेल फ्रम सुंदरगढ़ जिला को रामलाल पटेल को यार दावी उपस्थापना करने आगामी दिन में नेतृत्व नापी से जन सैनिक भाव कार्य करें आज जन अच्छा संबलपुर प्रमोद कुमार प्रधान संबलपुर से फोरम रही कम करेंगे मिलित मंच बलांगीर जिलूर समस्त सहयोग में शीतोष पाणिग्राही सभापति बलांगीर से बाछी बरगढ़ जिलार सभापति भरद्वाज प्रधान बरगढ़ से छह जन सांगे तालम ले आग को ने आज जन अच्छा सुदूर जे कि नुआपड़ा जे कि आम मलकानगिरी रायगढ़ नवरंगपुर अविभक्त कोरापुट जिला नेतृत्व नौकर बड़ भाई प्रमोद कुमार पंडा से टीम अच्छा घोषणा कर पश्चिम ओडिशा जीवन मुझे मो टीम सियाड़े आम समस्त सियाड़े स्वागत कर शेषे समस्ते आज जन को बासी सुरेश चंद्र प्रधान स्वागत कर बहुत धन्यवाद सर जय मां सबले वर्तमान परवर्ती कार्यक्रम आरंभ करने मुरोध करी आम आम गोटे खुशी कथा से जो मंच चलो जो आम लड़ाई हम अर्थ भी दरकार आउ धन्यवाद देवी मिलित मंच भाई मान को आमर बड़ भाई मान को ये से मिलित मंच जो आर्थिक परिस्थिति रे जहाँ भी घटव जहाँ भी हिसाब हम पश्चिम ओडिशा फोरम कैशियर रे अशोक कुमार साहू स्वागत वर्तमान समय कम अच्छी अनुरोध करी मु विक्रम रथ को से आज जहाँ निष्पत्ति से विषय धारणा देवी विक्रम रथ जय जगन्नाथ जय माँ समले समस्त को नमस्कार प्रणाम आज निष्पत्ति चुंबक खूब संक्षिप्त में जनाऊँगी जहाँ मिडिल प्राथमिक शिक्षक संघ सह पश्चिम ओडिशा रा जो फोरम थिला तार सकाळ वाला आपण माने दाबी सुनिथिले से दाबी अनुजाई आम अनेक निष्कर्ष पर एथिरे पहुँचु मोट पश्चिम ओडिशा रु आम 16 जन से जो 15 टी जिला कथा कहते 16 जन को आम नौ से कमिटी ता भितर जड़े कैशियर आउ रेस्ट रही है आमर स्टीयरिंग कमिटी मेंबर एंड डेलीगेशन मेंबर्स 6 जन 16 ठीक है तो से ना जन पढ़ी पढ़ दियो आज्ञा कह दूर ठीक है व्यतिक्रम टे सामान्य करवा बंधुगण समस्त हितपाई जे आम सोशल मीडिया रे भाई मान को एकत्रित करने दि मस धरी कम कर जड़े भाई से आम सांगे थे अच्छा रही प्रयास बास्तव में आप स्वीकार भी करेंगे मुझोध करी सुनील प्रधान महोदय को से मंच को आसपे आम सम्मान कर सुनील प्रधान महोदय अनुरोध करी मु अशोक सर को देव सर को से सम्मानित करेंगे भाई कहते आज थे कह समस्त ध्यान पाई
आमर कार्यक्रम यही मर्म आरंभ हम आंदोलन हम अलबत हम तीव्रतर हम भयंकर हम दाबी पूरण पर्यंत आंदोलन जारी रहे बोली आज माँ समली पाखे जो शपथ आप सकाल नहीं स्टीयरिंग कमिटी ग्रहण करीव्रतर आंदोलन को प्रक्रियाकरण करने आम पश्चिम ओडिशा जो क्रियानुष्ठान कमिटी फोरम रु आम मोट 16 जन सभ्य को नहींचु जहाँ भितर जड़े कैशियर रे 6 जन को आम स्टीयरिंग डेलीगेशन सहित रखीचु आहरी अवशिष्ट लोक आम जो स्टीयरिंग कमिटी एंटायर 45 जन कमिटी में आम 16 जन को मोट यू सामिल कर इनक्लूडिंग वन कैशियर ओके आंदोलन निर्दिष्ट तारीख ब्लॉक तारीख से ही जहाँ भुवनेश्वर में कर स्थिर रही अर्थात 19 तारीख यही चलित शनिवार 19/11/2022 शनिवार ब्लॉक मानक मेमोरांडम दिजाव 314 ब्लॉक रे मेमोरांडम देवा को सर्वसम्मति निष्पत्ति जो जो ब्लॉक जो जो जिले में राली करा जाएगी से माने केवल मेमोरांडम टी को स्तर में पहुंचे जो जो ब्लॉक रे राली आंदोलन करा जाए नहीं से माने राली आंदोलन माध्यम रे मेमोरांडम सरकार को पाखे मुख्यमंत्री पाखे पहुंचा को बीओ माध्यम रे निष्पत्ति ग्रहण करागला द्वितीय कथा आमर जिला स्तरीय राली समय अभाव बाद दिया जाए 27 तारीख जहाँ पूर्व निर्धारित हो राज्य 27 तारीख अर्थात 27/11/2022 रविवार थारू आमर राज्य स्तरीय आंदोलन जारी रहिबो दाबी पूरण पर्यंत से विकल्प आउ नाही आंदोलन कौ स्थित आम समझौता को जीवा बा स्टीयरिंग कमिटी की जीवा जहाँ ए कमिटर निष्पत्ति मुख्यमंत्री लिखित नमर कथित प्रतिश्रुति चलो कि मुख्यमंत्री पास जदि चीफ सेक्रेटरी 5T सेक्रेटरी हमें लिखित प्रतिश्रुति ना आंदोलन नहटव से कथाटा निष्पत्ति ना आम जो स्टीयरिंग कमिटी 45 बाद आज 16 जन को निला तार बाद रहा जहाँ भाई मैंने डिमांड कर दिले मास लीव और मास सीएल से कथा आप सर्वसम्मति आम रविवार आंदोलन को जीवा सीएल प्रथम आम 3 दिन आग को चलो सीएल पर 3 दिन पर देखा जे आंदोलन किसी फल आसुना तेल आम सामूहिक छुट्टी तापर घोषणा कर बुझे तो रविवार आम आंदोलन को जीवा सोम मंगल बुध आम 3 दिन सीएल परवर्ती पर्यायर जब आंदोलन से भितर सफल नाला परवर्ती पर्यायर मास लीव की कन्वर्ट करिंग कमिटी निष्पत्ति नब से कथा परवर्ती पर्यायर जड़ी भाई मैंने डिमांड करते परमिशन प्रति डेली जन जन ना आसू से कथा ना परमिशन आमर एओपीटीए सेक्रेटरी बंकिम चंद्र सागर ना अणाजी से कथा निष्पत्ति आँ खर्च हम ताको चारिजाक संघ जो आम 3 संघ तथा ये फोरम रंधु मैंने से मैंने समभाव बिहर करेंगे आर क्रियान्वयन प्रथम पर्यायर 19 तारीख ब्लॉक रैली पर 20 तारीख में राज्य में जो फास्ट केयरिंग कमिटी 20 तारीख बैठक बस आम जो 45 प्लस 16 जन बंधु रे प्रारंभिक कार्य निज निज हाथ रु 2000 टंका प्रथम से दाखला करेंगे ये कार्यटा आगे ना जो जो संघ रु 16 रे 2000 टंका प्रथम देवे परवर्त पर्यायर जिला ब्लॉक रु से आडवांस करेंगे रिपोर्ट करेंगे जिला माध्यम कौन रहा कमिटर मेम्बर पढ़ी देवी किए रही रामलाल पटेल सर फ्रॉम सुंदरगढ़ ताली दिखा सुरेश प्रधान झारसुगुड़ा शीतोष पाणिग्राही बलांगीर भरद्वाज प्रधान बरगढ़ प्रमोद पंडा रायगढ़ प्रमोद प्रधान संबलपुर पश्चिम ओडिशा जो स्टीयरिंग कमिटर 6 जन नहींचे तार बाद अशोक साहू झारसुगुड़ा को कैशियर हिसाब से निशिष्ट सभ्य नाम आशा रखी भाई मैंने
ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ବୁଝେଇକି ଡିମାଣ୍ଡ ଯିବା। ଆଉ କିଛି ଛାଡି ଯାଇଛି କି? ସରି, ଡିମାଣ୍ଡ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କନସେନସସ୍ ହେଇଥିଲା, ଆବୋଲିସନ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ ସର୍ଭିସେସ ଫ୍ରମ ଦି ଡେଟ୍ ଅଫ ଜଏନିଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ, ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଏଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟିଚର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଘ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀକୁ ମୂଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦିଆଯାଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେ 10,000 ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ତଳ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯାଉ। ଆମେ ଯିଏ ତଳ ଦିନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକରୁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛେ 2001 ମସିହାରୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ଯାହାର ହିସାବରେ ତାକୁ ସର୍ଭିସେସରେ ଗଣନା କରାଯାଇ ନ୍ୟାସନାଲ ବେନିଫିଟ ଦିଆଯାଉ। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ କନସେନସସରୁ ଆସିଛି ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଫୋରମରେ ରଖିଥିଲେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କେଲ ଅଫ୍ ପେ ଦାଟ ଇଜ 35,400 ଆଟ୍ ଦି ଇନିସିଆଲ ପେ, ଏଇ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ଆମର କନସେନସସ୍ ହେଇସାରିଛି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଓଲ୍ଡ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ୍ ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ ବାଇ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଦ ଇଭେନ୍ ନ୍ୟୁ ପେନ୍ସନ ସ୍କିମ, ଏ ତିନିଟା ଆମର ଦାବି ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ନେଇକି ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 19 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ 314 ବ୍ଲକରେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରବିବାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। 20 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ବସିବ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଆଉ କଣ ଛାଡିଗଲେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ସୁରେଶ ଭାଇ? ନାଇଁ ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଲୁ ଯେ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଗୋଟେ ଦାବି ଆମର ସେ ବ୍ୟାନରରେ ରହିବ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଭିତରେ ଏକ୍ସର ଉଚ୍ଛେଦ କଥା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ମାନେ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 27 ତାରିଖ ତାଙ୍କର December 27 ଅଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବୈଠକ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚକୁ। ଯଦି ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡରର ନେତୃବର୍ଗ ଯଦି ରାଜି ହେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସେମାନେ ଅଲଗା ଯିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତାକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ କ୍ୟାଡର ଉଚ୍ଛେଦତା ସ୍ଥାନିତ କରିକି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲଢ଼େଇ କରାହେବ, ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମିଶିକି ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କର ଦାବି ଏଠି ରଖାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।